रीवा कलेक्टर और एसपी की अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के मुखबरी द्वारा सूचना मिलने के बाद अवैध परिवहन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। रीवा कलेक्टर इलिया राजा टीवी एसपी राकेश सिंह के निर्देश पर गठित की गई 4 सदस्यीय टीमों ने घेराबंदी कर सिरमौर चचाई सिमरिया मार्ग में 40 से ज्यादा गिट्टी का परिवहन कर रहे ट्रकों को पकड़ा है। इन सभी ट्रक चालकों के पास परिवहन कर रहे गिट्टी का किसी भी तरह कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। साथ में सभी ट्रक गिट्टी का ओवरलोड कर प्रधानमंत्री सड़क का उपयोग कर रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान सिमरिया और सिरमौर पुलिस को इस कार्रवाई की भनक तक नहीं लगी। ट्रकों को जब्त करने के बाद कार्रवाई के लिए खनिज विभाग के सौंप दिया जाएगा। इस कार्रवाई से यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं पुलिस थानों व खनिज विभाग के शह पर इस तरह के अवैध खनिज परिवहन में संलिप्तता है। अधिकारियों द्वारा इस संबंध में भी जांच कराई जाएगी। प्रधानमंत्री सड़क की सड़कें बनी हुई है। अमूमन क्या हो रहा है, इस जिले में बड़ी गंभीर समस्या यह है कि कलेक्टर महोदय द्वारा इस संदर्भ में आदेश भी जारी किया गया था कि इन रास्तों से जो प्रधानमंत्री सड़क वाले रास्ते हैं उनसे कोई भी वाहन जाना नहीं चाहिए जिसका वजन 8 टन से ज़्यादा हो। कुल वजन यानी वाहन और वाहन के अंदर जो मटेरियल लोड है उनका वजन 8 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन रीवा में ये हो रहा है कि इसके पीछे कोई गैंग भी शामिल है और इसके अलावा जो टोल टैक्स चोरी करने वाले छोटे रूट को पकड़ के इन सब चीज़ों से बचने वाले रॉयल्टी चोरी करने वाले तमाम जो है खनिज माफिया से जुड़े हुए लोग प्रधानमंत्री सड़कों के जरिए अपने ट्रक को पार कराते हैं और ये तमाम ऐसी सड़कें हैं जिनके माध्यम से जाते हैं। जैसे ये जो है सिरमौर होते हुए या त्रैला होते हुए या तो जवा चने से निकलते हैं या जो है बीरपुर के सामने से यूपी निकल जाते हैं। तो इस तरीके से न सिर्फ टोल टैक्स की चोरी होती है अपितु रॉयल्टी चोरी होती है, बहुत बड़ी चोरी है। और इस तरह हमें सूचना मिली थी तो सूचना पर तत्काल हमने SDOP सिरमौर के नेतृत्व में टीम भेजी और तत्काल कलेक्टर रीवा साहब से बात किया। कलेक्टर रीवा साहब ने तत्काल खनिज विभाग को सक्रिय किया। इसके अलावा हमने ट्रैफिक DSP और उनकी टीम को भेजा क्योंकि हमें जानकारी थी कि दो दर्जन से ज़्यादा वाहन हैं। लेकिन मौके पर चेक करने पर टोटल 37 वाहन मिले। 37 वाहनों में 7 वाहनों में ड्राइवर कंडक्टर तो हैं लेकिन शेष के ड्राइवर कंडक्टर भाग गए हैं। इनके खिलाफ जो है रॉयल खनिज चोरी और तमाम धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।